आज हम बात कर रहे हैं कि डेटा को आर में कैसे रीड किया जाए, आर में डेटा को कैसे अपलोड किया जाए। तो हमारे पास एक्सेल डेटा आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो हम एक्सेल डेटा आज बात करेंगे। डेटा को हम सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज टैब डीलिमिटेड फिक्स विड्थ में, मोस्टली हम डेटा टेक्स्ट फॉर्म में एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि उसके पास जो है वो रीडेबल हो जाए। क्योंकि जब ये टेक्स्ट डेटा होता है तो ये रीडेबल होता है, किसी के पास भी जाएगा। स्टेटा का डेटा डॉट डीटीए की एक्सटेंशन होती है, एसपीएसएस डेटा जो है वो डॉट एसएवी होती है, आर डेटा एक्सटेंशन आरडीए होती है। तो यहां पे सेस का डेटा हमारे यहां बहुत कम यूज किया जाता है, तो इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। डायरेक्टली वेब से डेटा कैसे रीड करते हैं ये देखेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल डेटा की, और इसमें जो 2003 से पीछे पीछे वाले वर्जन है वो ज्यादातर एक्सेल एस में सेव होते हैं। एक्सेल एस एक्स जो है 2007 ऑनवर्ड से जो है ये एक्सेल एस एक्स फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो हम देखते हैं कि इन डेटा सेट्स को कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल डेटा की बात हो रही है। तो लेट्स गो टू आर। तो आपके पास आर का ये आपके पास आर हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं जी कि आपके पास तो ये ब्लू आ जाता है तो हमारे पास क्यों नहीं आता। तो बहुत सिंपल है कि आप यहां पे जाइए टूल्स ग्लोबल ऑप्शंस में जाइए, ग्लोबल ऑप्शन में अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस के बाद आप जब यहां पे बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है तो आप इनमें से कोई ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास यही वाली बैकग्राउंड जो आपकी मर्जी की है वो ले लीजिए। तो यहां पे देखिए हम फाइल में जा रहे हैं, फाइल में इंपोर्ट डेटा और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू दिस। यहां से भी आप जा सकते थे फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम एसपीएसएस, फ्रॉम स्टेटा, एक यहां पे भी है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो मैंने यहां पे ब्राउज कर लिया कि ये डेटा मेरे पास, तो देखिए एक आपके पास पैकेज इंस्टॉल लाइब्रेरी रीड एक्सेल एक्सेल, और यहां पे क्या आ जाएगा फाइल का नेम। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम इस तरह से नहीं, फिर हम डायरेक्टली ये रीड एक्सेल ये कर लेंगे। तो ब्राउज कर रहे हैं हम डेटा को, डेटा हमारे पास ब्राउज होके मेरे पास ये डेटा पड़ा है ड्रॉप बॉक्स में, मेरे पास फोल्डर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, यहां पे मैंने ग्रोथ का डेटा पड़ा है। तो लेट्स गो टू ग्रोथ डेटा एक्सेल। तो ये मेरे पास डेटा ग्रोथ का आ गया। तो आप देखिए, तो अगर मुझे ग्रोथ का डेटा रीड करना है तो यहां पे उसने ये करेक्टर यानी कि जो कंट्री नेम है ये करेक्टर है डबल, तो ये मैंने डबल वगैरह ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में कहीं डिस्क्राइब की हुई हैं। तो अगर कोई वैल्यू जो है वो मिसिंग होगी तो वहां एनए होना चाहिए, और ये डेटा मेरे पास जो है वो रेंज जो है वो इसकी गिवन है A1 से ऑनवर्ड। तो आपके पास इसको आप ये जस्ट इंपोर्ट कीजिए, आपके पास ये डेटा जो है वो आर में डाउनलोड हो गया और व्यू में एक अलग से न्यू विंडो ओपन हुई है। तो ये देखिए ये व्यू में डेटा जो है ये एक जो है ना जस्ट ये जो स्प्रेडशीट है, तो इसको आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। ये ग्रोथ मैंने क्लोज कर दिया। ये आपके पास आर कोड अगर आप डायरेक्टली रीड करते तो वो ये वाला था। तो अगर आप इसको कॉपी करके तो ये जो है वो अगर आप कोड एडिटर में ले जाएंगे तो आप इसको डायरेक्टली ये भी कर सकते थे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वी कैन रीड दिस लाइक दिस आखे लाइब्रेरी रीड एक्सेल, ये आ गया ग्रोथ का डेटा आ गया। व्यू करना चाहते हो व्यू कर लो, ग्लिम्प्स करना चाहते हो तो उससे पहले आपको लाइब्रेरी डीप्लायर रन करना होगी। तो लाइब्रेरी डीप्लायर आई होप कि आप तो हमें बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और यहां पे मैं अगर ग्लिम्प्स करूं तो कि मेरे पास मैं डेटा की एक जो है वो ग्रोथ जी आर, तो ये ग्रोथ डेटा मैं आपको बाद में इकोनोमेट्रिक्स की वीडियोज में बताऊंगा कि जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का डेटा लिया गया है। तो 65 कंट्रीज का डेटा है, 7 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से डबल कौन कौन से सिंगल। तो ये एक्सेल डेटा एक फॉर्म है। इससे अगले वाली फॉर्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी स्लाइटली ट्रिकी है। तो मैं यहां पे अगेन जाता हूं फाइल डेटा इम्पोर्ट, तो इसी फाइल में मैं रखता हूं क्योंकि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी शीट डिफरेंट होती तो यहां पर देखिये वही ग्रोथ डेटा मैं जो है वो लेके चल रहा हूं। तो ड्रॉप बॉक्स में जाके मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ग्रोथ डेटा, ये मेरे पास ग्रोथ डेटा की फाइल आ गई। यहां पे देखिए अब मेरे पास ना शीट जो है डिफॉल्ट पहले वाली थी,
लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास जो शीट नंबर वन है ये रीड की जाए. बट यू सी इस शीट में पहले मैं कुछ कैलकुलेशन अवेल गिवन है, ये मीन मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की हुई है, डेटा आपका यूज यहां से एंटिटी से स्टार्ट हो रहा है, कोड ईयर जीडीपी पर कैपिटा, और ये डेटा आपका एग्जैक्टली यहां पे नंबर वन सेल से नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको यहां पे एनए तो ये वेरिएबल्स जो है सारे करेक्टर हो गए हैं, क्योंकि एक वेरिएबल में मिक्स वैल्यूज भी आ गई हैं और साथ कोड भी आ गया. अब ये देखिए ईयर भी यहां पे आ गया, तो इसलिए उसने जब एक वेरिएबल के इनसाइड मिक्स डेटा आता है तो इसको जो है ना वो करेक्टर के तौर पे रीड करता है. तो ये चीजें केयर करनी है, इसलिए मैं कहता हूं वेरिएबल नेम हमेशा ऊपर टॉप पे रो में होंगे और कॉलम में वो एक वेरिएबल के नीचे एक तरह का डेटा जो है वो आएगा. तो इसको अगर मैं एक्सेल स्प्रेडशीट में दिखाता आपको तो यहां पे देखिए ये डेटा जो है मेरे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पड़ा है. तो अब ये डेटा मेरे पास C5 में है और अप टू मेरे पास ये डेटा है G19 में, तो इसलिए मैं R में जब ये करूंगा तो ये मुझे यहां पे इस डेटा का रेफरेंस देना है. C5 हमने कहा और G19. तो अब हम देखते हैं कि ये डेटा की शेप क्या बनती है. तो ये देखिए अब आपके पास ये डेटा जो है ये करेक्टर आ गया, ये कोड आ गया, ये ईयर आ गया, ये जीडीपी पर कैपिटा. तो बहुत दफा ये होता है कि डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट शुरू में लोगों ने बहुत सारे कॉलम्स मर्ज किए होते हैं, वेरिएबल्स उससे नीचे डिस्प्ले होते हैं, तो आप इस डेटा को इस तरह से रीड कर सकते हैं. मेक श्योर के हर मिसिंग वैल्यू यहां पे एनए से रिप्रेजेंट हो. तो ये देखिए यहां पे एक और मिसिंग वैल्यू है, तो आप इसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे तो अगेन वही वाली चीज आ गई कि ये ग्रोथ का डेटा आपके पास आ गया और जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो एनए के तौर पे डील होंगी. तो आप इसको जो है वो क्लोज कर दें और ये वही उसी तरह से कोड्स, ये देखिए उसी तरह से कोड्स जो है यहां पे आप चाहें तो ये देखिए इसमें अच्छा अगर यहां पे कंसोल में कोड्स हैं तो आप यहां पे अपवर्ड एरो करेंगे तो लास्ट कमांड रिकॉल हो जाएगी. ये अगर आप तो ये सारा डेटा चूंकि व्यू आपके पास ग्रोथ की अच्छा अब देखिए बड़ी लंबी चौड़ी कमांड है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हुई तो डायरेक्टली अगर आप रीड करेंगे तो ये कमांड जो है वो इसलिए मुझे ये बताना अब जरूरी था कि डेटा को कैसे तो ये ड्रॉप बॉक्स में मेरी इस फोल्डर में फाइल पड़ी है जिसमें शीट वन है, रेंज उसकी ये है, तो इसमें बंदा इन्वर्टेड कॉमाज या कॉमा डालते हुए मिस्टेक कर जाता है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं. आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा स्टेटा डेटा और SPSS डेटा, उसके लिए एक दो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, तो हमने वहां से अपने डेटा को कैसे रीड करना है.